लखनऊ की किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने सरकार को सीधा संदेश दे दिया है और किसानों से कह दिया है कि देश में MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए बड़ा आंदोलन होगा, इसलिए सभी अपने ट्रैक्टरों को तैयार रखें। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और देश के बड़े किसान नेता राकेश टिकैत ने वैचारिक क्रांति की बात भी की। उन्होंने 10 साल पुराने ट्रैक्टरों पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा भी वो एक बार फिर उठाया है। बोले कि बड़ी लड़ाई बड़ा संघर्ष देश में फिर होगा। सुनिए भाषण का यह प्रमुख अंश। साजिश चल रही है, हम पूरा देश का किसान एक हैं। ये सरकारें हमको धर्म और जाति में बांटेगी, किसानों की फसलों का नुकसान करेगी, हमको इकट्ठा होकर बड़े आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला, ऐसे ही MSP के लिए पूरे देश भर में एक बड़ा आंदोलन चलाना पड़ेगा। देश में वैचारिक क्रांति होगी, जो क्रांति जो आंदोलन विचार से जुड़ा हुआ होगा उसमें सभी लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं। वे चाहे पुलिस फोर्स के लोग हैं, वे चाहे किसी उसमें नौकरी करते हैं, वे फ्रंट पे नहीं आएंगे लेकिन वे आपके साथ में घबराने की जरूरत नहीं। आप आंदोलन के लिए तैयार रहो, आंदोलन होगा। आने वाले टाइम पे ट्रैक्टर अपने तैयार रखना, ट्रैक्टर का बड़ा आंदोलन होगा। ट्रैक्टर से जैसे पंजाब और हरियाणा के लोग अपने मजबूती के साथ में ट्रैक्टर रखते हैं, ऐसे ही हमारे लोग भी, क्योंकि वो ट्रैक्टर चलेगा, जो ट्रैक्टर 10 साल पुराना हो जाएगा, भारत सरकार ने 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद कर दिया, डीजल से चलने वाले कोई भी वाहन बंद कर दिए। क्या ये कानून देश में होना चाहिए कि जिससे बड़ी कंपनियों को फायदा होगा और किसान को नुकसान होगा? जो NCR है उसमें 10 साल डीजल वाहन, वो चाहे जज की गाड़ी हो, वो डॉक्टर की गाड़ी हो, वो किसान का ट्रैक्टर हो, वो रोडवेज की गाड़ी हो, ये सारा एक कैटेगरी में आ सकता है। कौन किसान है कि जो 10 साल में अपना ट्रैक्टर बदल देगा? एक बड़ी लड़ाई बड़ा संघर्ष देश में फिर होगा।